नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल गजा युद्ध अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच लेबनान और इसराइल समर्थित आतंकवादी गुट के एक शीर्ष अधिकारी ने इसराइल को चेतावनी दी है। आतंकी गुट के अधिकारी ने कहा कि अगर यहूदी देश ने लेबनान इसराइल सीमा पर संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर असली तमाचा लगेगा। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद इसराइली सेना और हमास सहयोगी आतंकी गुट हिजबुल्ला के बीच बॉर्डर पार से लगातार गोलीबारी हो रही है। AFT टैली के मुताबिक इसराइल से सीमावर्ती गांव पर बमबारी में, जिसमें लेबनान के करीब 142 हिजबुल्ला लड़ाके और 195 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मानवीय संकट के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए गाजा में संघर्ष के गंभीर मुद्दे को संबोधित किया। कंपाला में 19वें NAM शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने जोर देकर कहा, आतंकवाद और बंधक बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, अभी गाजा में संघर्ष स्पष्ट रूप से हमारे दिमाग में सबसे ऊपर है। इस मानवीय संकट के लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है जो सबसे अधिक प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दे। हमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आतंकवाद और बंधक बनाना अस्वीकार्य है। पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव करने पर सहमति बन गई है। ईरान के बलूचिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। संबंधों की तलखी के बीच ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को फोन पर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों में तनाव को कम करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समन्वय को मजबूत करने पर सहमत हुए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बात की है और पारस्परिक विश्वास व सहयोग की भावना के आधार पर ईरान के साथ काम करने की देश की इच्छा जताई है। अमित शाह के एक बयान के बाद हाल ही में बिहार में दो बड़ी बैठक हुई है। पहली बैठक नीतीश कुमार के आवास पर थी तो दूसरी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के घर पर हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब से लालू यादव और नीतीश कुमार ने साथ हाथ मिलाया है तब से भाजपा परेशान है, उसी हताशा के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं। न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मीडिया से कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप लोगों को बेहतर जानकारी हो कि अमित शाह क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में 1986 में विवादित ढांचे के गेट का ताला खुलवाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अरुण नेहरू को प्लांट करवाया था जो इसके पीछे थे। अय्यर अपनी किताब के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर राजीव गांधी जिंदा रहे होते तो PV नरसिम्हा राव के स्थान पर प्रधानमंत्री होते तो विवादित ढांचा आज भी खड़ा होता, भाजपा को उचित जवाब दिया गया होता और उन्हें भी वैसा ही कोई समाधान निकालना होता जैसा सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों बाद निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 19 जनवरी को तमिलनाडु में कई महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री 20 जनवरी को सुबह 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्री रामनाथन स्वामी मंदिर के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इस मंदिर में विभिन्न विद्वानों से रामायण के छंद का पाठ सुनेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2 बजे रामेश्वरम मंदिर पहुंचेंगे। पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री की कई मंदिरों की यात्रा के दौरान देखी जा रही प्रथा को जारी रखते हुए जिसमें विभिन्न भाषाओं में रामायण पाठ में भाग लेते हैं। गुजरात के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार एवं उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी पुलिस की निगरानी में हैं और वे लापता नहीं हुए हैं। दाहोद जिले की सहायक पुलिस अधीक्षक विशाखा जैन ने कहा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तब से वे पुलिस की निगरानी में है। हमने उसी दिन से सभी से संपर्क किया और ऐसा नहीं है कि उनका इरादा संपर्क में नहीं रहना था। दोषी दाहोद की सिंगवाड़ा तालुका के सिंगवाड़ा और रंदीकपुर गांव में है। IPS अधिकारी ने कहा कि उन्हें पता था कि उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा और वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वेच्छ से ही अपने ठिकानों के बारे में सूचित करने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। मणिपुर में ताजा हिंसा के बीच पड़ोसी राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहुमा ने कहा
कि उन्हें उम्मीद है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। लाल दोहो ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 71वें पूर्व सत्र में संवाददाताओं से कहा, हम राष्ट्रपति शासन की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि यह हिंसा बहुत लंबे समय से चल रही है, स्थिति नहीं बदलती है और कभी कभी बदतर हो जाती है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा, भारत सरकार, मणिपुर सरकार और आदिवासी नेताओं के साथ एक बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। नेताओं के बीच तनाव की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग एक महीने के बाद अपनी पहली बातचीत में शुक्रवार को गाजा के बारे में बात की। ये कॉल नेतन्याहू के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने वाशिंगटन में कहा था कि वह हमास के साथ संघर्ष के बाद फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा देने की अनुमति देने का विरोध करते हैं, जो उन्हें लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति के साथ खड़ा रखता है। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया, राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल और गाजा में मानवीयता के विकास पर चर्चा के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर चल रहे घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। ममता बनर्जी द्वारा अपनी पार्टी को दिए गए निर्देश को मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली इंडिया ब्लॉक सहयोगी कांग्रेस के प्रति संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस को मुर्शिदाबाद के लिए तृणमूल के साथ सीट बंटवारे की बातचीत पर अभी जवाब देना बाकी है। मुर्शिदाबाद एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है और पारंपरिक रूप से कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि 22 जनवरी को मैं अपने परिवार के साथ अयोध्या जाऊंगा और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। पूर्व पीएम ने कहा, मैं 22 जनवरी को अयोध्या जाऊंगा, मुझे आमंत्रित किया गया है, मेरे परिवार के लिए एक विशेष फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इस बार यह महत्वपूर्ण चुनाव है, मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई सवाल नहीं है कि चुनाव लड़ रहा हूं या नहीं। कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक टी सिद्दीकी की पत्नी समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। निधि म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी के तहत एक साझेदारी फर्म एक वित्तीय संस्था के खिलाफ 62 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था, जहां विधायक की पत्नी शर्फुनिशा शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वित्तीय संस्था ने लोगों से जमा राशि एकत्र करने के बाद कई करोड़ रुपए ठगे। शिकायतकर्ता ने कंपनी पर 5.65 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में शनिवार को घने कोहरे के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। IMD ने शनिवार तड़के घने से बेहद घने कोहरे के साथ मुख्य रूप से आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। IMD ने कहा कि दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 25 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके लिए टीम इंडिया जल्द ही तैयारी शुरू करेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हाल ही में T20 सीरीज में अफगानिस्तान को हराया है। अब वे टेस्ट सीरीज के लिए मैदान पर उतरेंगे। अगर भारत का इंग्लैंड के खिलाफ ओवरऑल टेस्ट सीरीज रिकॉर्ड देखा जाए तो वो अच्छा नहीं रहा है। भारत ने 131 मैच में सिर्फ 31 मुकाबले जीते हैं। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 131 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान टीम इंडिया ने 31 मैच जीते हैं, वहीं इंग्लैंड ने 50 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इन दोनों के बीच में 50 मैच ड्रॉ भी हुए हैं। इस शुक्रवार को सिनेमा घरों में पंकज त्रिपाठी स्टारर मैं अटल हूँ रिलीज हो गई है। ये फिल्म देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक है, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने लीड किरदार निभाया है। इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के पहले ही दिन मैं अटल हूँ को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है और इसके चलते फिल्म की बेहद धीमी शुरुआत हुई है। सैक निल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ की कमाई की है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com पर।